आरसी एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में बता रहे थे, जिसमें बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बारे में आपको बताया गया। आज अपन अरब सागर के अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। अरब सागर का अपवाह तंत्र भी राजस्थान की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको बताया था कि इसके द्वारा यानी 16.5% क्या है जल प्राप्त हो पाता है। इस अरब सागर के अंतर्गत राजस्थान की कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो अपने जल को डालती हैं? उन नदियों में नंबर एक लूनी नदी, नंबर दो माही नदी, नंबर तीन पश्चिमी बनास, नंबर चार साबरमती, यानी ये कुछ ऐसी नदियां हैं जो राजस्थान की दृष्टि से अपने जल को कहाँ डालती हैं? अरब सागर में डालती हैं। इन नदियों के बारे में यानी एक एक के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे, तो सबसे और जिसको कि अपन नक्शे के माध्यम से भी आपको बताएंगे। सबसे पहली नदी का नाम बताया आपको लूनी नदी। तो ये लूनी नदी जो पश्चिमी राजस्थान के सबसे लंबी नदी मानी जाती है, और ये ऐसी नदी है जिसको हम क्या हैं आधी खारी और आधी मीठी नदी के नाम से भी जानते हैं। देखिए इसकी क्या क्या मुख्य विशेषताओं के रूप में है और ये कहाँ से निकलती है और अपने जल को अंत में कहाँ डालती है। तो सबसे पहली बात आती है कि जो लूनी नदी उद्गम स्थान अजमेर जिले की नाग पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है? अजमेर जिले की नाग पहाड़ियाँ। उन नाग पहाड़ियों से क्या करती है ये लूनी नदी निकलती है। अब ये जैसे ही नाग पहाड़ियों से निकल करके और राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है उस पश्चिमी क्षेत्र में क्या होती है ये प्रवाहित तो होती है। इसका प्रवाह क्षेत्र की बात करें, प्रवाह क्षेत्र यानी किन किन क्षेत्रों की ओर क्या होती है ये प्रवाहित होती है, तो उसमें देखा गया कि ये अजमेर से ये नागौर से पाली से फिर ये जोधपुर, और जोधपुर से कहाँ बाड़मेर, और बाड़मेर से फिर ये कहाँ यानी जो बाड़मेर होती हुई और अंत में अपने जल को कहाँ पर डालती है ये कच्छ की खाड़ी में या कच्छ के रण में
ये जो कि कहाँ पर है, ये गुजरात के निकट स्थित है। अब इसमें एक बात बताइए, अभी आपको बता रहा था कि इस नदी को आदि खारी और आदि मीठी के नाम से क्यों जाना जाता है, कि जो बाड़मेर जिला है और बाड़मेर यानी जो बाड़मेर, देखो इधर कि यहाँ से अगर देखें तो ये गंगानगर आ गया, गंगानगर के नीचे ये क्या है, बीकानेर है। फिर ये राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा जिला, जैसलमेर है। उसके साथ में ये क्या आ गया, यहाँ बाड़मेर आ गया। तो बाड़मेर है ना, ये बाड़मेर और बाड़मेर का एक बाड़मेर की बालोतरा तहसील है, बाड़मेर की बालोतरा तहसील, उस बालोतरा तहसील तक तो इसका जल क्या होता है, मीठा होता है। बाड़मेर जिला, बाड़मेर जिले की बालोतरा तहसील और उस बालोतरा तहसील तक इसका जल क्या होता है, मीठा हो जाता है। लेकिन उसके बाद में जैसे ये इसमें आगे की ओर प्रवाहित होती है तो इसका जल क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। और खारा होने का कारण कि उसमें जो लवणों की मात्रा है वो काफ़ी अधिक भर जाती है, इसीलिए इस नदी को क्या कहा जाता है, आधी खारी और आधी मीठी के रूप में जाना जाता है। तो अंत में अपने जल को ये कहाँ डालती हैं, जो कच्छ के रण की बात करें या कच्छ की खाड़ी में ये अपने जल को डाल देती हैं। अब इसमें ये भी कह सकते हैं कि जो धोरों के रूप में क्या हो जाती है, अंत में समाप्त हो जाती है। इसकी साथ में ही अगर इस नदी के बारे में देखें तो जो पुष्कर के निकट इसे, पुष्कर कहाँ पर है, अजमेर में, देखो यहाँ भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा से ऊपर अगर देखेंगे तो ये कौन सा जिला है, ये त्रिभुज की आकृति, त्रिभुज की आकृति में यहाँ पर ये अजमेर है। तो अजमेर के अंतर्गत ही क्या है, पुष्कर है। तो पुष्कर में इस नदी को क्या कहते हैं, साकरी नदी के नाम से जानते हैं, साकरी पुष्कर, ऊपर लिख रहा हूँ। पुष्कर, पुष्कर में इसे क्या कहते हैं, साकरी, साकरी नाम से भी इसको जाना जाता है। उसी और एक और भी नाम बताया इसको, लवणवती, लवणवती नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, कि इसमें जो लवणों की मात्रा है वो काफ़ी अधिक पाई गई है, और लवणों की मात्रा काफ़ी अधिक होने के कारण और इसमें खारा जो जल है वो पाया गया है। यहाँ बताया गया है कि जो पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान की ये सबसे लंबी नदी है, एक महत्वपूर्ण नदी है। इसकी सहायक नदियों की बात करें, सहायक नदियाँ, एक मिनट, इससे पहले अपन इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं, कुल लंबाई 495 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में देखें तो राजस्थान में लगभग 330 किलोमीटर राजस्थान में बहती है, क्योंकि आगे जाकर कहाँ पर, ये गुजरात में जो कच्छ का रण है वहाँ पर ये गिरती है, कच्छ की खाड़ी में गिरती है। तो इसका मतलब ये इसका जल कहाँ, गुजरात में भी प्रवेश करता है, जाता है। तो इसीलिए राजस्थान में इसका जल कितने किलोमीटर, 330 किलोमीटर के लगभग ये नदी बहती है। अब इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं, सहायक नदी कौन कौन सी है, किसकी सहायक नदी, लूनी की सहायक नदी। लूनी की सहायक नदियों में मुख्य नदी है सूकड़ी, नाम देखिए इसका, जैसे सूकड़ी
मीठड़ी, जोजड़ी, लीलड़ी, क्या नाम बताया? लीलड़ी। क्या क्या नाम है? सूखड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी, लीलड़ी, जवाई। नदी का नाम है और कुछ मत समझना है ना। क्या नाम है? जवाई और सागाई। आदि क्या है इसकी? सहायक नदियों के रूप में है। तो अब देखिए अपन ने यहाँ क्यों कौन सी नदी के बारे में? लूनी नदी के बारे में अध्ययन किया। तो आपको बताया गया था कि जो अजमेर, अजमेर की जो नाग पहाड़ियाँ हैं, इन नाग पहाड़ियों से होती हुई यानी इसका उद्गम स्थान माना गया। और फिर ये कहाँ के? इधर नागौर, नागौर से फिर ये कहाँ? जोधपुर, और जोधपुर और उसके साथ में फिर ये पाली, और पाली के साथ में फिर ये कहाँ? जो बाड़मेर में प्रवेश करती है। बाड़मेर में आपको बताया था कि बाड़मेर की जो बालोतरा तहसील है, उस बालोतरा तहसील तक इसका जल क्या होता है? मीठा होता है, लेकिन उसके बाद में इसका जल क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। तो अंत में ये अपने जल को कहाँ? जो कच्छ का रण है या कच्छ की खाड़ी है, उसमें अपने जल को डाल देती हैं। इसकी कुल लंबाई 495 किलोमीटर बताई, लेकिन राजस्थान में अगर देखें तो 330 किलोमीटर के लगभग है। इसकी सहायक नदियों में देखें, सूखड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी, लीलड़ी, जवाई और सागई, ये इसकी क्या हैं? मुख्य सहायक नदियां हैं। अगली नदी का की बात करते हैं, माही नदी। अगली नदी कौन सी है? माही नदी। तो ये जो माही नदी है, ये राजस्थान की दूसरी एक नित्यवाही नदी के रूप में मानी जाती है। नदी का नाम क्या बताया? माही, माही नदी, ठीक है। उद्गम स्थान, उद्गम स्थान कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश। देखिए जो राजस्थान की जो नदियां हैं, चाहे उसमें से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हो या अरब सागर में गिरने वाली नदियां हो, ये ज़्यादातर नदियां कहां से निकल रही हैं? मध्य प्रदेश से निकल रही है। तो इसमें बताया गया कि जो मध्य प्रदेश का अमोरू की पहाड़ियों, और अमोरू की पहाड़ियों के निकट कौन सा है? जो एक धार जिला है मध्य प्रदेश का, और उस धार जिले से ये कौन सी? मेहद झील से निकलती है। ध्यान दीजिए, इसमें माही नदी है, उद्गम स्थान है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का कौन सा? धार जिला, धार जिला, धार जिले की अमोरू, अमोरू की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? अमोरू की पहाड़ियां, और उन पहाड़ियों से निकलकर उन पहाड़ियों के निकट क्या है? मेहद झील, मेहद झील, और उस मेहद झील से कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी, सॉरी माही नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? माही नदी निकलती है। अब उसमें ये मुहाना अर्थात अपने जल को कहाँ डालती है? खंबात की खाड़ी में। ये मुहाना कहाँ बनाती है? मुहाना, मुहाना का मतलब अपने जल को कहाँ डालती है? तो ये खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में डालती है।
एक बात और भी अभी आपको बताई थी कि देखो इसमें अपने जल को तो कहाँ डालती है, ये खंबात की खाड़ी में डालती है, लेकिन ये राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? राजस्थान में प्रवेश की बात करें तो जो बांसवाड़ा जिला, ये देखो भाई नीचे राजस्थान का कौन सा जिला है? बांसवाड़ा है। और इस बांसवाड़ा के निकट और ऊपर कौन सा है? या अगर देखें डूंगरपुर, और इसी के बीच या क्या होकर के गुजर रही है? कर्क रेखा होकर के गुजर रही है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के रूप में है। तो ये कर्क रेखा राजस्थान के केवल 2 जिलों से होकर के गुजरती है, जिसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो कहने का मतलब ये जो बांसवाड़ा और बांसवाड़ा का जो खांडू नामक स्थान है, खांडू, बांसवाड़ा का कौन सा? खांडू नामक जो स्थान है, उस खांडू नामक स्थान से ये क्या करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताई गई कि ये जो नदी है ना, कर्क रेखा को क्या करती है? कर्क रेखा इसको ऊपर लिख रहा हूं भाई, ध्यान दे लेना थोड़ा सा। कर्क रेखा को क्या करती है? ये 2 बार काटती है। क्या करती है? 2 बार काटती है। तो कहने का मतलब कि ये जो नित्यवाही नदी भी है और ये जो कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसकी आकृति जो है ना, वो आकृति जो अंग्रेजी का ए कैपिटल, उस कैपिटल के रूप में माना गया है, या आकृति की अगर बात करें तो जो उल्टे यू के रूप में भी इसको माना गया है। तो यही कारण है कि ये कर्क रेखा को क्या करती है? 2 बार काटती है। एक बात बता दूं आपको कि ऐसी 3 नदियां हैं जिसमें से एक कर्क रेखा को, एक मकर रेखा को और एक विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को काटती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो अभी आपको बताया कि जो कर्क रेखा है, उस कर्क रेखा को तो कौन काटती है 2 बार? माही नदी, ठीक है। मकर रेखा कर्क रेखा तो कितनी डिग्री से है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जानकारी होनी चाहिए अपने को। ये मकर रेखा कितने से है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। मकर रेखा कितने डिग्री से है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है? लिम्पोपो। ध्यान दे लेना, मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है? लिम्पोपो नदी। और ये कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के निकट ये काटती है, ठीक है ना। नंबर 3 अगर बात करें भूमध्य रेखा कितनी डिग्री से? 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी भूमध्य रेखा का दूसरा नाम क्या है? विषुवत रेखा। दूसरा नाम क्या है? विषुवत रेखा। आपसे पूछा जाए कि भाई विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली या भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो इसका विशेष ध्यान रखना, इसका नाम है कांगो नदी। कौन सी नदी है? कांगो नदी। इस कांगो नदी को जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम क्या है? जायरे। कहाँ पर काटती है? अफ्रीका में। अफ्रीका क्या है? ये महाद्वीप।
तो अफ्रीका में ये क्या करती है, उसके निकट काटती है। जो कांगो देश है और उस कांगो के निकट ही ये कांगो नदी, जिसका दूसरा नाम जायरे नदी है, उस वहाँ पर ये क्या करती है, काटती है। तो ये थोड़ा सा आपको कुछ अतिरिक्त बताया गया ताकि आपको ध्यान रह जाए कि अभी जो बात आई थी कि यहाँ पर जो माही नदी है वो माही नदी कर्क रेखा को क्या करती है, दो बार काटती है। अब उसके बाद में अगर हम देखें कि यहाँ जो माही नदी है ना, वो माही नदी की कुल लंबाई कितनी है, 576 किलोमीटर है। माही नदी की कुल लंबाई कितनी है, 576 किलोमीटर। माही नदी और क्या बताया, इसकी कुल लंबाई, कुल लंबाई कौन सी नदी की, माही नदी की कुल लंबाई है 576 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान में अगर देखें, कहां पर, राजस्थान में, तो ये मात्र 171 किलोमीटर बहती है। राजस्थान में कितने किलोमीटर बहती है, 171 किलोमीटर बहती है। अब इसमें देखिए कि अभी यहाँ जो बांसवाड़ा जिला और बांसवाड़ा जिले में जो खांडू नामक स्थान है और उस खांडू नामक स्थान पर ये क्या करती है, प्रवेश करती है। अब इसका बहाव क्षेत्र देखें कि राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जिनमें ये नदी प्रवाहित होती है, तो उनमें बहाव क्षेत्र के बारे में, बहाव क्षेत्र के अंतर्गत, क्योंकि ये दक्षिण राजस्थान के रूप में है और दक्षिण राजस्थान की बात करें जिसमें बांसवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरपुर तो यानी इन जिलों में क्या होती है, ये प्रवेश करती है। और इसके साथ साथ में ये बताया कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा की क्या बनाती है, ये प्राकृतिक सीमा भी बनाती है। देखो कहाँ, बांसवाड़ा, ये बांसवाड़ा हो गया और बांसवाड़ा से ऊपर क्या है, डूंगरपुर है। और राजस्थान का सबसे नवीन जिला कौन सा है, प्रतापगढ़ है। कब बना था ये, 26 जनवरी 2008 को ये राजस्थान का अंतिम जिले के रूप में बना था। एक और भी बात बता देता हूँ इसमें कि किन किन जिलों से इसको बनाया गया। इधर से अगर देखें तो यहाँ चित्तौड़गढ़ से, ऊपर कौन सा है, यहाँ पर उदयपुर से, और इधर यहाँ से ये बांसवाड़ा से, इन तीनों जिलों को तोड़ करके और फिर ये नए जिले के रूप में कौन सा बनाया गया था, प्रतापगढ़ बनाया गया था, जो 26 जनवरी 2008 को बनाया गया था। तो इन जिलों में ये कौन सी नदी प्रवाहित होती है, माही नदी प्रवाहित होती है। अब ये जो नदी है ना, आगे जैसे ही प्रवेश करती है तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि जो डूंगरपुर है, ध्यान देना इसमें, डूंगरपुर और डूंगरपुर में एक बेणेश्वर नामक स्थान है। डूंगरपुर में क्या है, बेणेश्वर नामक जो स्थान है, और इस बेणेश्वर नामक स्थान पर तीन नदियां आकर के मिल जाती हैं। कौन कौन सी नदी, जिसमें माही, सोम, क्या क्या नाम बताया, माही, सोम और जाखम,
ये तीनों नदियाँ कि भाई जो डूंगरपुर में बेणेश्वर नामक स्थान है, उस बेणेश्वर नामक स्थान पर माही, सोम और जाखम ये तीनों नदियाँ एक जगह मिल जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं, त्रिवेणी संगम कहते हैं। त्रिवेणी संगम कहते हैं। और जो बेणेश्वर नामक जो स्थान है, उस बेणेश्वर नामक स्थान पर जो त्रिवेणी संगम के रूप में क्या करती है, ये बनाती है इस नदी को। अब देखिए यहाँ पर जैसे दक्षिणी राजस्थान है तो इसमें जो आदिवासी लोग निवास करते हैं, और आदिवासी लोग निवास करने के कारण इस नदी को बागड़ व काठल की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्या क्या कहते हैं इसको, ऊपर लिख रहा हूँ, ध्यान दे लेना कि एक तो बागड़, इसको बागड़, या काठल की क्या कहते हैं, गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये अभी आपको माही नदी के बारे में बताया गया था, इस कारण से राजस्थान की ये क्या है, एक महत्वपूर्ण नदी है। मैंने प्रारंभ में भी बताया था कि माही जो नदी है राजस्थान की दूसरी महत्वपूर्ण नित्यवाही नदी है। पहली कौन सी, चंबल, और दूसरी कौन सी है, ये माही नदी। राजस्थान में यही दो ऐसी नदियां हैं जो क्या है, नित्यवाही नदियों के रूप में है। इसके अलावा केवल क्या है, मौसम वाहिनी नदियां हैं। आज हम इसमें केवल माही नदी तक ही अध्ययन करेंगे, और उसके बाद में कल आपको बताया जाएगा।